ये तस्वीरें हैं रेवाड़ी के अनाज मंडी रोड की। तस्वीरों में आपको जो ये सड़क दिखाई दे रही है, ये सड़क हाल ही में 56 लाख की लागत से बनवाई गई थी। नगर परिषद के अधीन ठेकेदार द्वारा इसका निर्माण किया गया था। सड़क बनकर पूरी तरह तैयार भी नहीं हुई थी कि अभी से इसके खस्ता हाल की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। हालत ये है कि सड़क पर ट्रैफिक भी बहुत कम है और अभी से इसे सामान्य ट्रैफिक के लिए चालू भी नहीं किया गया है। इसके बावजूद सड़क में जगह जगह से उखड़ी हुई तस्वीरें देखी जा सकती हैं, जो भ्रष्टाचार को साफ साफ दर्शा रही हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि एक तरफ तो इसमें घटिया मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, वहीं सड़क में जगह जगह बेवजह ब्रेकर्स भी लगा दिए गए हैं, जिनकी वजह से हादसों का खतरा बढ़ सकता है। देखिए, जो ये रोड जो बनाया गया है, एक तो इसमें जगह जगह ब्रेकर दे दिए गए, जबकि यहाँ ब्रेकर देने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये आबादी एरिया नहीं है। और एक गेट ही अनाज मंडी का इस साइड में खुलता है, बाकी तो गेट बंद रहते हैं। तो यहाँ जगह जगह ब्रेकर देना पहली बात गलत है। दूसरा कि यहाँ ब्रेकर होने से एक्सीडेंट के खतरे ज़्यादा रहेंगे। तीसरी रही बात मटेरियल्स की, मटेरियल कैसा है कैसा नहीं है, क्योंकि अभी तक तो ये लगता है कि हमें भी ये देखने के उससे ये महसूस होता है कि मटेरियल्स कोई बढ़िया नहीं है। फिर भी ये पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है, प्रशासन को चाहिए इसका सैंपल ले और अच्छी लेबोरेटरी में इसकी जांच करवाई जाए, और यदि ये मापदंड पे खरा नहीं उतरता है तो जो भी ठेकेदार है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं इस बारे में स्थानीय पार्षद का कहना है कि ठेकेदार ने हाल ही में सड़क का निर्माण किया है और इसमें घटिया मटेरियल इस्तेमाल होने की शिकायत भी सामने आई है, जिसके लिए उन्होंने नगर परिषद को लिखित शिकायत दी है। उन्होंने कहा कि अगर ठेकेदार ने लापरवाही की है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो बाहर का राजमंडी रोड बना है, वो जब इन्होंने स्टार्टिंग रोड बनाया तो रोड अच्छा ही डाला था, लेकिन उसके बाद में इन्होंने, उनका कहना ये है कि इसमें JCB वगैरह चल गई है और चल गई, इसलिए कुछ रोड डैमेज हो गया है। तो उनको कह दिया गया है, उनकी सिक्योरिटी हमारे पास नगर पालिका में जमा है, वो पूरे रोड की उनकी गारंटी है, वो रोड को ठीक कर देंगे। ये रोड अभी बना, हमारा रोड तो अभी बना है, ये अभी बन के पूरा खुला भी नहीं है, पूरा बन के अभी खुलेंगे। अभी उसमें लोग वगैरह काट रहे हैं, अभी वो उन्होंने हमारे को हैंड ओवर नहीं किया रोड, तो एक दो रोज में हैंड ओवर कर देंगे, उसके बाद भी देखेंगे। उसकी सैम्पलिंग हो गई है वैसे, तो अभी उसका तो जो उसकी सैम्पलिंग गई है उसके रिजल्ट आने के बाद पता लगेगा मेटेरियल का। तो नहीं, आपका कहना है कि जो तो बरसात हुई थी, बरसात के टाइम में रोड बना था, तो बरसातें हुई थी नेचुरल है, तो थोड़ा बहुत पानी में रहता ही है। अभी देखिए, ये बात तो टेक्निकल आदमी जानते हैं, वो रिपोर्ट आ जाएगी तो उसके बाद ही पता चल सकेगा, अभी तो कुछ नहीं पता नहीं जाएगा। ये तो जो उनकी प्रतिक्रिया है उस हिसाब से लेते हैं, MEJ वगैरह जो है एक्शन, जो इसके जनपद आदमी है संदर्भ के इंडिविटी सिस्टम के हिसाब से लेते हैं कि इसकी लागत रोड की 56 लाख रुपए इसकी रोड की लागत है, जो रोड की नीचे का बेस है उसकी लगभग 56 लाख रुपए लागत है, जैसा कंट्री से बात हुई। बाकी नीचे की जो बेस है, बेस की अलग लागत होती है, तोड़ने की और उसकी PCC वगैरह की डालने की अलग लागत होती है, इस रोड की लगभग 56 लाख। बात करने को भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाने का दावा करने वाली सरकार और सड़कों का जाल बिछाने में खुद को नंबर वन कहने वाली सरकार में नई नवेली सड़क की तस्वीरें चौंका देने वाली हैं। हालांकि फिलहाल जांच के बाद साफ हो जाएगा कि यहां इस तरह की लापरवाही हुई है, लेकिन तस्वीरें भी ये बयां करने के लिए काफ़ी हैं। रेवाड़ी से राजेश शर्मा, सत्य खबर। सत्य सटीक बेबाक।